चौधरी बादम प्रणाम, पहले पूछूंगा बिसल देव रासो किसने लिखा? वो हैज बीन राइटन द बिसल देव रासो, चंद्रवरदाई लिखे हो, बहुत बढ़िया, तालियां इसके लिए। तो पृथ्वीराज कौन लिखे हो? नरपति नालो कर दे कसड़ फसड़, महाराणा प्रताप ने समझाने गांधी जी ने भेज दे, फिर नेहरू जी ने भेज दे, स्माइल मारा है मेरे कानी। कवि बांधो की उपाधि कौन से शासक ने? सानू टेडी टेडी तक दी तू, टेडो ना देख मेरे कानी, बता तो तू बता। फिर पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम कौन सा कार्य किया था शासक बनते ही? सर्वप्रथम गद्दी पर बैठे हो, क्यों? पानीपत के युद्ध में झपा झप तलवार चली, घपा घप खून वार, क्यों लपा लपर क्यों गल्ला? सर्वप्रथम विद्रोह किया, शाबाश, बैठ जा। के करूं थारो कि नहीं पूछ लिया, आई हालत सबकी, वो के करा डाबरो थारो है, क्या काम चल रहा थे बताओ? अब रोजान तो थाने समझाई जाए कोनी, क्योंकि थे टाबर कौन रहा, टाबर जमना रहा हो गया थे, ऊपर ले मौको कौन दियो थाने, ब्याह करता ही देखो थे, बार बार थाने समझावा मन शर्मान लाग गई, बताता भी पढ़नो तो थाने पड़ेगो, अगर आपने नौकरी की सोच ली है तो पढ़नो तो पड़ेगो, और इस चक्रियों के अंदर आप एक बार घुस गए ना, अब बाहर निकलोगे ना बिना जीत के, तो बदनामी बहुत है, बड़ी बदनामी है, बाकी काम में बदनामी को नहीं है, आजकल अगर मर्डर भी करते तो पब्लिसिटी है, लेकिन एक काम में निकल के कहा ले हो गयो खराब ये हो गए, पहली कहे हुए तो तू पढ़े थोड़ी है, तू तो मजा लेने गए डो, वो चक्रियों फंस गया थे, अब ये चक्रियों जितना जल्दी निकलोगा इतना ही फायदा है, देख लियो मेरे कानी एक बार, क्यों रोजाना समझाना तो मैं पोसाऊंगा नहीं, क्यों फिर सिलेबस रह जाओगे।